हाय फ्रेंड्स, अब अलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे आपको सामान उठाने के लिए कुली नहीं करना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर ई रिक्शा भी चल गए हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि ई रिक्शा करना पड़ा। अब ऑनलाइन देखने पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही थी, पर स्टेशन पर आने पे पता चला कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही है। अब सामान के साथ 1 से 10 पर जाने पर बहुत टाइम लग जाता, इसलिए प्लेटफॉर्म पर हमने 70 रुपये पर पूरा ई रिक्शा बुक कर लिया था, क्योंकि मैंने आगे का बोर्ड नहीं पढ़ा था। प्लीज़ बुक करने से पहले बोर्ड ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पर हेड 15 रुपीज़ लगता है, तो पर हेड ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। पर सामान के साथ आप पूरा करोगे, बड़े बुज़ुर्ग हैं तो अच्छा है। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, तो आप हमारे साथ देखिए ये। सबसे मजे की बात कि इसको सब पता है तो हमें दिमाग नहीं लड़ाना है। और ये हम रेलवे स्टेशन पे है जो गाड़ी से जा रहे हैं। भैया, एक आदमी का तुम्हारा कितना किराया होता है? शेयरिंग मैडम 15 रुपये सवारी है। 15 रुपये सवारी है जी, पूरी गाड़ी 70। तो यार, हमने तुम शेयरिंग पे ही कर लेते हैं। हाँ, 70 रुपये में तुमने हमको क्यों लूटा? 70 रुपये हम लोग को जमा करना पड़ता है मैडम। नहीं तो और जो लोग रोक रहे थे उनको रोक के ले लेते? उनको रोक रहे थे। सवारी शेयरिंग मतलब होता है जैसे आपको एक नंबर से आना हो, हाँ, 10 नंबर। अभी ये कहाँ सवारी होगी? अगर 5 लोग रहोगे तब भी यही रेट है। अच्छा।